खंडवा और आगर मालवा में ओले और बारिश से गेहूं की फसल हुई प्रभावित। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल, देखिए पूरी खबर। मालवा निमाड़ के खंडवा और आगर मालवा में तेज हवा वर्षा के साथ ओले गिरे। वहीं शाजापुर, रतलाम, मंदसौर और खरगोन में भी हल्की वर्षा हुई। कुछ स्थानों पर गेहूं की फसल आड़ी हो गई, इससे फसलों को नुकसान हुआ है और किसान परेशानी में आ गए हैं। खंडवा जिले के ग्राम मातपुर और कोड़ावत में ओलावृष्टि हुई। ग्राम मेड़ापाली, दाभिया, लंगोटी और रोशनी में भी जोरदार वर्षा हुई। कोड़ावत के किसान तरुण पटेल ने बताया कि गेहूं की फसल आड़ी पड़ गई है, कुछ खेतों में रखा गेहूं भीग गया है। किसान और उसके परिवार के लोग पानी में भीगे गेहूं को समेटने की मशक्कत करते रहे। रतलाम जिले में कई स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई। वर्षा की संभावना से किसान की चिंता बढ़ गई है। वर्तमान में कई स्थानों पर गेहूं कटाई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं शाजापुर क्षेत्र में शुजालपुर, काला पीपल, काली सिंध सहित क्षेत्र में बूंदाबांदी का दौर चला। सेमली घटिया क्षेत्र में कुछ जगह पर तेज हवा के साथ हुई वर्षा से गेहूं की फसल बीज गई। मंदसौर जिले में शनिवार तड़के पिपलिया मंडी व मलारगढ़ में बूंदाबांदी हुई, इसके बाद बादल छाए रहे। कृषि विशेषज्ञ एवं पूर्व संचालक कृषि डॉक्टर जीएस कौशल ने बताया कि इस समय वर्षा होने से खेतों में खड़ी सभी फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचने का अनुमान है। गेहूं की फसल सूख चुकी है, पानी लगने से गेहूं का दाना काला पड़ गया है, इससे उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। सरसों की फसल भी पक चुकी है, इसकी फली भीगने के बाद सूखते ही चटक जाती है। तेज हवाएं चलने से खड़ी फसल भी खेत में बिछ जाएगी, इससे भी नुकसान होगा। किसानों को जितनी जल्दी संभव हो हार्वेस्टर से फसल कटवा कर सुरक्षित रख लेनी चाहिए। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।